थोड़े से अनजाने। वापस जाने का सोचिए मत, वापस चले जाइए, वापस चले जाइए, चले जाइए। श्यामली की जिंदगी को बचाने के लिए आप कोई भी समझौते को नजरअंदाज ना करें, चाहे फिर वो समझौता हालात से हो या अपने पुराने टूटे रिश्तों से। क्या आप मालिनी को जानते? हाँ, वो तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर मिस्टर अवस्थी की पत्नी है। पर वो ऐसा क्यों कर रही हैं? रिवेंज, बदला, बदला लेने के लिए। कैसा बदला? इसके बारे में तो तुम्हारे पिता मिस्टर अवस्थी ही तुम्हें बेहतर बता सकते हैं, या फिर प्रभा। माँ ने तो हमें आज तक कुछ नहीं बताया। हाँ, लेकिन मालिनी के बारे में वो आज बात कर रही थी। वो बहुत डरी हुई थी और यहां तक कह रही थी कि मालिनी हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी बद्दुआ है। कभी कभी लोग अपने अधिकार के लिए नहीं बल्कि दूसरों का हक छीनने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। मालिनी भाभी ने भी शायद इसीलिए ये सब किया है। मुझे जाना होगा उसके पास। क्या करूं? क्या क्या करना चाहिए मुझे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं मैं? क्या कर सकती हूं मैं? क्या हुआ माँ? आप चुप क्यों गए? कुछ नहीं, तुम भी तो नहीं सोई। माँ आप सो जाएंगी तो मैं भी सो जाऊंगी। सो जाऊंगी, तुम जाओ अपने कमरे में जाओ। आपको डरने की जरूरत नहीं है, अब मैं स्ट्रांग हो गई। नेतृत्व हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। आप आराम कर लीजिए, संकल्प जी भी यही है। परेशान देखकर वो भी बहुत परेशान है। तुम जाओ सो जाओ। हेलो, क्या मुझे तुम कल मिल सकते हो? हाँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। ओके, ठीक है।
नेतृत्व का फोन। मुझे पता है तुम मेरा फोन इग्नोर कर रही हो। मैं लास्ट वन वीक से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, बट यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। अब तुम मुझे मजबूर कर रही हो। मैं केस फाइल कर सकता हूं शामली, तुम मेरी पत्नी हो और मुझे बिना इन्फॉर्म किए पिछले 2 साल से अपनी माँ के बहकावे में आकर अपने पति का घर छोड़ के किसी और के घर में रह रही हो, और ये गलत है। तुम्हारी माँ हमारे परिवार को तोड़ रही है, हमारी मैरिड लाइफ को तबाह कर रही है। ये सारी बातें मैं फैमिली कोर्ट तक भी ले जा सकता हूँ। हमारे बीच जो भी इश्यूज हैं हम सॉल्व कर लेंगे, बट प्लीज मेरा फोन पिक करो, नहीं तो मुझे मजबूरन तुम्हारे घर आना पड़ेगा। मुझे नेतृत्व से मिलना ही होगा। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, बताओ कब। ये नहीं भेज सकती, कहीं चले गए थे? हाँ, लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? इनफैक्ट कल रात से ज्यादा परेशान आप दिख रहे हो। हाँ, क्या हुआ? प्रभा ठीक है? बहुत परेशान है वो मालिनी। आपकी मालिनी भाभी से मिलना चाहती है। माँ अगर कह रही है कि
ये सब उनकी वजह से हुआ तो बिल्कुल सही ही कह रही हैं, क्योंकि बिना किसी कारण के कोई किसी को इतना तकलीफ कैसे पहुंचा सकता है। मैं नेतृत्व से मिल के आ रहा हूं। क्या कह रहा था? वो तो कुछ अलग ही बात कर रहा था। कह रहा था कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है और फिर से अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। झूठ, बिल्कुल झूठ। जब मैं उसके घर से भागी थी उस वक्त अगर मुझ पे थोड़ी सी भी हिम्मत होती तो मैं उसको खून कर देती और जेल चली जाती। काश मैं ऐसा कर पाती। शामली, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ये मैसेज भेजा उसने। क्या बकवास कर रहा है? श्यामली, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम साथ मिलकर इसे हैंडल करेंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना। पर मां को अचानक पता नहीं क्या हो गया, वो हर बात का कसूरवार आपको और अवस्थी जी को मानने लगी है। अच्छा है, कुछ शिकायतें उनकी तरफ से भी तो शुरू हुई। अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस डर को मैं टाल रही थी आज तुमने उसी को शुरू कर दिया। मुझे पता है तुम कहां से आ रही हो। संकल्प जी ने ही नेतृत्व से मिलने के लिए कहा था। क्यों? नेतृत्व इनका बिजनेस पार्टनर है। क्या कहा उसने? माँ, उसने हमारे खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग केस बना रखा है।
जिस रात मैं उसके घर से भागे थे उस रात उसने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई थी और बहुत सारा कैश और ज्वेलरी चोरी के लिए भी केस दर्ज कराई थी। वो मुझे और आपको किसी भी वक्त चोरी के इल्जाम में अरेस्ट करवा सकता है। और उसने एक हफ्ते का वक्त दिया है, कहा है कि मैं उसके घर चली जाऊं और नए सिरे से उसके साथ जीना शुरू करूं। और क्या कहा उसने? और उसने कमिट किया है कि जो कुछ भी उसने पहले किया वो किसी के बहकावे में किया है और अब वो मुझसे प्यार करता है। और सब कुछ ठीक कर देगा वो और मेरे घर लौटने के बाद वो केस भी वापस ले लेगा। अच्छा, तो हमें ब्लैकमेल करने का पूरा फाउंडेशन तैयार कर रखा है उसने। तुमने उसे एक थप्पड़ क्यों नहीं मारा? अभी चलो मेरे साथ, चलो उसके घर चलते हैं और उसे सबक सिखा कर आते हैं। चलो मेरे साथ। रुकिए। कहाँ जा रही हैं? उससे मैं आप जो भी करने जा रही हैं उससे शामली और हमारे लिए कितनी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं आप जानती हैं? वो यही चाहता है कि आप ऐसे ही रिएक्ट करें। अगर आप ऐसे रिएक्ट करेंगे ना तो फैमिली कोर्ट में जो हमारा केस है ना वो वीक हो जाएगा और उसके पक्ष में स्ट्रांग हो जाएगा। आप जानती हैं कि मालिनी एक लॉयर है, वो बहुत सोच समझ के दांव खेलती है। प्लीज आप आराम कीजिए, हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि हमारा आगे का दांव क्या होगा। आप तो जानती हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, हमें इस क्यों का जवाब ढूंढना है। मिस्टर अवस्थी को मैं इस मामले में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करना चाहती क्योंकि ना ही वो मेरी बेटियों के पिता है और ना ही मेरे पति, और मैं अच्छी तरह से जानती हूं ये सब क्यों हो रहा है। अगर आप जानती ही हैं कि ये सब क्यों हो रहा है तो आप ये सब क्यों कर रही हैं? शामली को नेतृत्व से मिलने के लिए मैंने ही भेजा था। क्या? हाँ माँ, हाँ इन्होंने ही नेतृत्व से मिलने के लिए कहा था। क्यों? नेतृत्व इनका बिजनेस पार्टनर है। हमें नेतृत्व को कुछ बुरा करने से रोकना होगा। मालिनी भाभी को रोकने का काम अवस्थी का है। उनके मन में जो जहर है ना वो सिर्फ और सिर्फ अभी निकाल सकता है और कोई नहीं, ना आप।
नेतृत्व इनका बिजनेस पार्टनर है। कुछ प्रोजेक्ट इन लोग साथ में मिलकर कर रहे हैं। क्या? जो इंसान मेरी बेटी और मेरी जिंदगी तबाह कर देना चाहता है वो आपके बिजनेस पार्टनर है? हाँ, और उसका दोस्त भी हूं जो 17 साल पहले आपका पति था और इन तीनों बेटियों का बाप है। तो क्या हो गया, क्या हो गया? आपको मुझ पर कोई शक है? बोलिए, क्या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये सारी साजिश के अंदर मालिनी भाभी के अलावा मैं भी शामिल हूं? बताइए, अरे बताइए ना, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मैं जानता हूं कि हम सबसे गलतियां हुई है। मैं उस वक्त नहीं था जब आपको मेरी जरूरत थी, ना ही अभी था और ना ही कोई भी आपका अपना। लेकिन उस बीते हुए पल को आप इस मामले में मत घुसारिए, प्लीज। इस वक्त शामली को हमारी जरूरत है, हमें नेतृत्व को कुछ बुरा करने से रोकना होगा। मालिनी भाभी को रोकने का काम अवस्थी का है। उनके मन में जो जहर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अभी निकाल सकता है और कोई नहीं, ना आप भी। और आप चाहते हैं कि मैं आपकी इन बातों पर विश्वास करूं कि आप और मिस्टर अवस्थी हमारा साथ देंगे, हमारा भरोसा नहीं तोड़ेंगे, हमें फिर से अकेला छोड़ के नहीं चले जाएंगे, है ना? हाँ बोलिए ना शंकर, बोलिए, हाँ बोलिए ना। अगर मेरे हाँ कहने से आपको विश्वास हो जाएगा तो मैं हाँ कह सकता हूं। क्या आप मेरा हाँ सुनना चाहती हैं? नेतृत्व से डर तो लग रहा होगा, कहीं ना कहीं आपके मन में यह विश्वास जरूर होगा कि आपके साथ अब कोई बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके अपने आपके करीब हैं। तुम एक काम करो, नेतृत्व के गेस्ट हाउस में आके तुम आज रात मुझसे मिलो।